कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों का जो टॉपिक है क्या है और क्या चीज सीखना है, मेनली तो हमें जो सीखना है कुछ शॉर्टकट मेथड सीखने जो जेई में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हमें इसे किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कि फ्रांस का साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेन डिस्कार्ट, CARTES डिस्कार्ट, जिसने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी जो 1596 से 1665 के बीच में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का उसने इन्वेंशन किया था। अब देखो ये जो है 1596 में उसकी पैदाइश हुई थी और इसमें 1665 में वो उसका देहांत हो चुका था। तो इन ड्यूरेशन में रेन डिस्कार्ट्स ने, फ्रांस का जो साइंटिस्ट था, उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वेंशन किया। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ज्योमेट्री के मेथड से बनाया जाता था, लेकिन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। दिस इज सेट टू बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो ये सब जानने की उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि ये सारी चीज आता कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा वैसे ही इंटरटेन करना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है रेन डिस्कार्ट ने इसका इन्वेंशन किया था, जो फ्रांस का रहने वाला था, और इतने से इतने के बीच में ये इसका यूज किया गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेनली जो है हेल्प करता है जब अलजेब्रा के मेथड से कोई भी प्रॉब्लम को बनाते हैं तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब देखो यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था और कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में हमने किया था, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो देख लीजिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है ये सब, जो कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर CN कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का वर्टिसेस अगर, या किसी भी एरो का अगर ए पॉइंट दे रखा और इसका ऑर्डर्ड पेयर x1, y1 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में इसे ZA को लिख सकते हैं x1 + i y1। B है x2, y2, तो इसे हम लोग ZB अगर लिखोगे तो x2 + i y2 लिखेंगे। और एक है x0, y0 ओरिजिन का पॉइंट है, तो z0 = x0 + y0 लिख देंगे। अब देखो यूलर्स ने एक कंडीशन लिखा था जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको डिटेल में पढ़ाया आप लोगों को, यूलर्स फॉर्म जो होता है उसमें देखो e^θ = cos θ + i sin θ होता है, और e^π/2 की वैल्यू i होती।
है ना। अगर हम इस फॉर्मेट में लिखे थीटा के प्लेस पे पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू और ये भी पाई बाई टू, और मिल करके बन जाएगा हमारा, ये इस फॉर्मेट का आ जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। चलिए ये है इस तरीके से, और यहां से एक एरो है, ये पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं ए। कोई भी जो जिस पेन से आप लिख रहे हो वही पेन है ये, ओ से लेकर ए तक, और उसको हमने रोटेट करवा दिया है यहाँ पे थीटा डिग्री से। ये है जेड नॉट, ये है बी, जेड बी। तो देखो, तो जो ए पॉइंट था, जो आपका पेन है, उसी पेन को जब रोटेट करोगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, सेम हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं रोटेटिंग एरो, रोटेटिंग एरो। अब ये रोटेटिंग एरो को देखो, आप इस फॉर्मेट में लिखते हो, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सिखाया था आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए, और इसका आर्ग्यूमेंट जो होना चाहिए वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जेड बी माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू जेड ए माइनस जेड जीरो ई टू द पावर आयोटा थीटा। इस फॉर्मेट को जो हम लोग कहते हैं, इसी को कहा जाता है रोटेटिंग एरो कॉन्सेप्ट, रोटेटिंग एरो कॉन्सेप्ट, या रोटेशनल थ्योरम भी कहा जाता है, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको पढ़ाया था, और यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज इसका करेंगे हम लोग, रोटेशनल थ्योरम कहलाता है ये, ठीक है। अब देखो, इसे जो रोटेशनल थ्योरम है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, टेकिंग ओनली एंटी क्लॉकवाइज, टेकिंग ओनली एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, और इसमें जो लिया जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, टेक ओनली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लिया जाएगा। अब देखो, एक मिड पॉइंट का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ए एक्स वन वाई वन है, और ये एम अल्फा कॉमा बीटा है, और ये पॉइंट हमारा बी है। तो देखो, बी को जो आप लिखोगे, बड़ा ही जल्दी जल्दी काम करना है हमें, और जल्दी काम करने का मतलब ये है कि अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, तो इसे आप लिखोगे 2 अल्फा माइनस एक्स वन कॉमा 2 बीटा माइनस वाई वन। देख लीजिए, एकदम इसी तरीके के फॉर्मेट में हमें काम करना है, इसी तरीके से जैसा मैं बता रहा हूं आपको, कि जब भी मिड पॉइंट थ्योरम आएगा तो इसे टू टाइम्स, मिड पॉइंट्स को टू टाइम्स माइनस एक्स वन कर दो, और टू टाइम्स ऑफ दिस वन इज माइनस वाई वन कर दे, तो ये डायरेक्ट बी का पॉइंट निकल कर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पॉइंट में रोटेशनल कॉन्सेप्ट को एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। अभी एक एग्जांपल कराएंगे।
एक और पॉइंट है कि अगर ओरिजिन आ जाए मिड पॉइंट पे AX1, Y1 और ये ओरिजिन हो 0, 0 और ये वाला पॉइंट भी है, तो देखो ये अल्फा एंड बीटा तो 0, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा -X1, -Y1। जल्दी से हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम अगर होगा तो इतना टाइम लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसी कोऑर्डिनेट को नेगेटिव डायरेक्शन में लिख देंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा समझना है हमें, और इस तरीके से और भी दो पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें बड़ा काम देगा। अगर थ्री वर्टेक्स दिए हुए हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, कोई सा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इनके थ्री वर्टिसेस दिए हुए, ये दिया हुआ है ए X1, Y1, बी दे रखा है X2, Y2, ये सी पॉइंट नहीं दे रखा और डी पॉइंट दे रखा है X3, Y3। तो देखो ये डी सी पॉइंट आप कैसे निकालोगे, अगर तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, थ्री वर्टेक्स अगर दिए हुए हैं, तो चौथे वर्टेक्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर कुछ कंडीशन दी हुई है, कंडीशन अगर है या तो ये पैरेललोग्राम हो या फिर ये रोम्बस हो या रिक्टेंगल हो और या नहीं तो स्क्वायर हो, कुछ भी अगर ये होता है, कुछ भी अगर ये होता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी हो तो आप करोगे क्या, क्योंकि सारे को ये इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे डायगोनल में और ये वाला पोर्शन इसके बराबर होता है और ये पोर्शन इसके बराबर होता है, तो देखो आप करोगे क्या कि जो अपोजिट डायरेक्शन में दिए हुए हैं X2 + X3 और माइनस में X1 कर दीजिए कॉमा Y2 + Y3 माइनस में Y1 कर दो। ये सिंपल मेथड है जो पैरेललोग्राम के साथ भी होगा, रोम्बस के साथ भी होगा, रिक्टेंगल के साथ भी और स्क्वायर के साथ भी ये कंडीशन होल्ड करेगा। आपको वैसे निकालने की जरूरत नहीं है कि इसकी साइड और बहुत सारे इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन से इतने अननोन क्वांटिटी निकाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना हमें। अगर तीन वर्टेक्स है तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड है कि अपोजिट डायगोनल्स के एब्सिसा में से जो एडजेसेंट डायगोनल का एब्सिसा दिया हुआ है उसमें से घटा देंगे एंड जो अपोजिट साइड्स के डायगोनल के ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसको एडजेसेंट साइड के ऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिक्वायर्ड वर्टेक्स हमारा निकल कर आ जाएगा। एक और पॉइंट है जो हम लोग लिख लेते हैं कि अगर लोकस निकालने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका कि A cos θ + B sin θ = P हो एंड A sin θ - B cos θ = Q हो, तो इन्हें हम लोगों को कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो थीटा रिमूव हो जाएगा और ये A²B² = P² + Q² बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक एग्जांपल की तरफ और उससे बात को समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लोग करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे
जो एप्लीकेशन आपने लिखा है उसका यूज कैसे आप करोगे जल्दी जल्दी शॉर्टकट मेथड में। तो देखिए, एक स्क्वायर दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है जिसकी वर्टेक्स दी हुई है, ये वर्टेक्स है 2, 1 और बी निकालना है हमें, सी का वर्टेक्स हमें पता नहीं है, डी का वर्टेक्स हमें पता नहीं है, बी सी डी का वर्टेक्स निकालना है और एक ही वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और दी हुई है कि इनका डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करता है एट ओरिजिन, ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन का पॉइंट है। तो ये पॉइंट तो पता चल गया, क्लियर है। अब देखिए, पिछले पेज में जब एक ओरिजिन होता है, जब यहां पे मिड पॉइंट होता था, तो ये 2α - x1 2β - y1 करते, और जब ये ओरिजिन होता है तो -x1 और y1 आप लिखते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ये ओरिजिन है और मिडिल पॉइंट है तो आप क्या करते, जो गिवन हमारा पॉइंट है उसी को अपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हो। तो लिख दीजिए इसका, ये पॉइंट तो निकल गया -2, -1, ठीक है। सी पॉइंट निकल गया, लेकिन बी पॉइंट आपको निकालना है। तो बी पॉइंट जब आप निकालेगा तो इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है और एंगल π/2 बना रहे, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये वाली और ये वाली दोनों डिस्टेंस हमारी सेम है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं रोटेशनल थ्योरम। रोटेशनल थ्योरम क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में ये एरो है, तो एरो के एज को देखिए, साइड को देखिए, zb - z0 = za - z0e⁻⁶, ठीक है। यहां तक एकदम बिल्कुल फेयर है। zb कॉम्प्लेक्स नंबर zb, तो b का कोऑर्डिनेट x1 + i y1 है, ये इसका कोऑर्डिनेट तो जीरो ही हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू za का कोऑर्डिनेट 2 + i है -0 और ये होता है iota e⁻⁶ की वैल्यू, e⁻⁶ की वैल्यू i होती है। चलिए अब यहां से x1 + i y1 की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं -1 + 2i, तो x1 और y1 की ऑर्डर्ड पेयर में, यानी कि b का जो कोऑर्डिनेट निकल गया -1, 2। अब ये माइनस का 1, 2 निकल गया तो ओरिजिन के साथ ये भी तो मिड पॉइंट है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 1, -2। देख लो, 2 से 3 स्टेप में आपने तीनों क्वार्टिनेट फाइंड आउट कर लिया। लेकिन इसके अलावा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रोटेशनल कॉन्सेप्ट इस शॉर्टकट मेथड के अलावा अगर कोई आप मेथड यूज कर रहे हो तो भी ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इतना लेंदी होगा कि आप का जो टाइम है बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझना है और थोड़े से जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उस ट्रिक को समझना है। अगर वो ट्रिक आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन सिंपल आते हैं जेई में और आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए, ये चारों कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए, जिसमें से एक दिया हुआ था, 3 निकालना था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और एक एग्जांपल 2019 जेई मेंस का करते हैं।
एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम है ये इस तरीके का। अब देखिए इस पैरेललोग्राम में रोम्बस नहीं है, पैरेललोग्राम है ये, क्योंकि फिगर इसी डायरेक्शन में बन रहा है इसमें, तो इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूं। जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, 2, वन कॉमा टू दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 4, दिस इज पैरेललोग्राम, सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 5, और ये डी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, और मुझे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका डायगोनल्स निकालिए, इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स, इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स निकालने। तो बताइए कि इक्वेशन इसके डायगोनल्स का इक्वेशन कैसे निकलेगा जबकि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। देखो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है और शॉर्टकट मेथड आपको मालूम है तो चुटकी से ये निकलकर आ जाएगा। जबकि जेई में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके ऑप्शंस ये थे कि डायगोनल्स के इक्वेशन जो है एडी के इक्वेशन के नेचर से दिए हुए थे, चार ऑप्शन में से। नेचर का मतलब ये है कि स्लोप दिया हुआ था, या कुछ ऑप्शन में ये भी थे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ था। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक पैरेललोग्राम है, 3 वर्टेक्स है, तो हमें एडी का नेचर पता करना है इस इक्वेशन का, कि इसके स्लोप क्या है, या फिर इसके जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किस तरीके के हैं, उस इक्वेशन से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए एडी का इक्वेशन हम लोग पहले निकालते हैं, और एडी की इक्वेशन निकालने से पहले हमें इसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो देखो प्रीवियस पेज में हमने लिखा हुआ है, देख लीजिए कि ये अगर पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, तो आप देखिए अगर 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं तो चौथा वर्टेक्स आप निकाल सकते हो। तो चलिए यही रिजल्ट हम लोग यहाँ लगाते हैं। तो ये रिजल्ट अगर लगाते हो आप, तो डी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट अपोजिट वर्टेक्स कितना है, 3 + 2 - 1, 4 + 5 - 2, तो डी का जो कोऑर्डिनेट हो गया 5 में से 1 जाएगा 4, और ये 9 में से 2 जाएगा 7। तो चलिए इक्वेशन ऑफ डायगोनल एडी क्या निकल कर आ जाएगा बताइए, y - 2 = 7 - 2/4 - 1 और x - 1, ये निकल कर आ गया तुम्हारा 5x - 3y + 1 = 0। अब देखो तो इसका स्लोप कितना निकल कर आ गया, स्लोप है हमारा 5/3, दिस इज द स्लोप, और ये ऑप्शन में भी था स्लोप इसका 5/3, और इक्वेशन से ये पता नहीं चल रहा है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस, सिंपल एक इक्वेशन ऑफ लाइन है।
इस लाइन की इक्वेशन। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था जेई का 2019 का। अब हम लोग चलते हैं इन सेंटर की तरफ। इन सेंटर तो देखो इन सेंटर में हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये ए है एक्स वन कॉमा वाई वन, बी है एक्स टू कॉमा वाई टू एंड सी है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है एंड ये डिस्टेंस सी है। देखो एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, वाई वन है, वाई टू है, वाई थ्री है, ए डिस्टेंस, बी डिस्टेंस और सी डिस्टेंस। याद करने का तरीका ये है कि ये वाला और ये वाला, ये जो है इन सेंटर में, इन सेंटर में ए एक्स वन, बी एक्स टू, सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी कॉमा। इसी तरीके से ये ए वाई वन, बी वाई टू एंड सी वाई थ्री आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा ए वाई वन, बी वाई टू, सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। अगर देखिए ऐसा करते हैं कि ए बी और सी की डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो फिर ये इन सेंटर जो हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। थ्री यहाँ पे नहीं लिखा पा रहा है तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई बाई थ्री कॉमा सिग्मा वाई आई बाई थ्री। ये कब होगा? जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, तो इन सेंटर जो होगा उसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेंट्रोइड की तरफ सेंट्रोइड में इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए i की वैल्यू और g की वैल्यू दोनों सेम हो जाती है, मतलब इसमें इन सेंटर और सेंट्रोइड दोनों सेम हो जाता है। ऑर्थो सेंटर चलते हैं हम लोग। ऑर्थो सेंटर में करेंगे क्या कि ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको हम लोगों ने मिला लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सभी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये डी, ये ई e
और ये F है। तो देखो, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है ऑर्थो सेंटर का। तो इसका तरीका ये होता है, हम लोग रिजल्ट भी लगा सकते हैं लेकिन रिजल्ट से बेनिफिट नहीं होता। हम लोग करेंगे क्या, AD जो है परपेंडिकुलर है BC का, और ये इसे हम लोग OD AO को परपेंडिकुलर लिखेंगे BC के, और ये बन जाएगा हमारा स्लोप ऑफ AO इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। और इसी तरीके से BE जो है वो परपेंडिकुलर टू AC है, और इसे हम लोग लिखेंगे BO परपेंडिकुलर टू AC, और निकल कर आ जाएगा MOB इनटू M ऑफ AC -1। ये इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे हम लोग। एंड नाउ थर्ड इक्वेशन के लिए CF जो है वो परपेंडिकुलर टू AB, और ये हो जाएगा CO परपेंडिकुलर टू AB एंड M ऑफ CO इनटू M ऑफ AB इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन थर्ड निकल कर आ गया। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट निकल कर हमारा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। एक नोट लिख लेते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी, ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर। इसका जो राइट वाला पार्ट होता है, राइट वाली जो एंगल होती है, जो वर्टेक्स होगा, वो हमारा ऑर्थो सेंटर बनाएगा। इसी तरीके से नोट सेकंड में हम लोग लिख लेते हैं कि अगर इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर अल्फा बीटा, बीटा अल्फा एंड अल्फा कॉमा अल्फा हो, देन तो ऑर्थो सेंटर जो होगा तुम्हारा, ऑर्थो सेंटर हमेशा याद रखना कि वो अल्फा कॉमा अल्फा ही होगा। तुम फिगर अगर बनाओगे इसका तो जस्ट लाइक इस तरीके का इसका फिगर बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा अल्फा कॉमा बीटा, और ये वाला बीटा कॉमा अल्फा, और ये वाली वैल्यू अल्फा कॉमा अल्फा। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल ही ऑर्थो सेंटर बनाता है हमारा। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं और लिखते हैं, एक एग्जाम्पल चलते हैं जो जेई 2002 में आया है। द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1, √3, 0, 0 और एंड 2, 0 है। इस मतलब तीन वर्टेक्स दिया हुआ है किसी ट्रायंगल का, तो हमें इन सेंटर निकालना है। जेई मेन 2002,
तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं कि साइड निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल की साइड अगर निकाल लेते हो तो ये है ए 1, √3, बी है 0, 0, सी है 2, 0। तो देखो ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, मतलब ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का आई और जी सब सेम होता है। ये हो जाएगा 1, √3/3। तो ये इन सेंटर तुम्हारा निकल गया 1 और 1/√3। नेक्स्ट एक और एग्जांपल चलते हैं हम लोग और लोकस निकालते हैं सेंट्रोइड का, किसी ट्रायंगल की जो वर्टिसेस है वो दे रखी है हमारी। टू फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड, लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices, जिसका vertex दिया हुआ है, vertex क्या दे रखा है, a cos t, comma a sin t, एक vertex है, दूसरा vertex है b sin t, comma minus b cos t, और थर्ड दे रखा है 1, 0, 1, 0 दिया। जहां पे टी इज द पैरामीटर, टी इज पैरामीटर है हमारा, कोई भी पैरामीटर। जेई 2003 का क्वेश्चन है, तो इसे देखिए हम लोग सेंट्रोइड तो पहले निकाल लेते हैं। तो a cos t plus b b sin t plus 1/3 हो जाएगा, कॉमा a sin t minus b cos t plus 0/3। ये हो गया, ये दिस इज x, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 3x-1 इज इक्वल टू a cos t plus b sin t, और ये 3y इज इक्वल टू a sin t minus b cos t। तो देखो तो अब ये हमारा एक आर्टिकल बन गया, जो आर्टिकल हमने अभी लिखवाया था आपको, इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3y पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। अब एक 2019 का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखते हैं a point P move a point P moves कर रहा है on the line, line की equation दे रखी है 2x-3y+4 is equal to 0, if Q दे रखा है 1, 4 and R दे रखा है हमारा 3, -2
टू थ्री कॉमा माइनस टू दिया हुआ आर फिक्स्ड, बोल रहा है कि ये जो है फिक्स्ड है, ये देन द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड, देन द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ लाइन, इज अ लाइन। अब इसमें भी कंडीशन दिए हुए हैं कि आपको जो लाइन की इक्वेशन आएगी उसका स्लोप कैसा होगा, उस लाइन की इक्वेशन एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, इस तरीके से चार ऑप्शंस दिए हुए। तो देखिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ये लाइन है और इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेते, इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका जनरल पॉइंट P हम लोग ले लेते हैं लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द जनरल पॉइंट ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन दिया हुआ है वो ये लाइन है हमारा, इस लाइन का जनरल पॉइंट हमने ले लिया कि जनरल पॉइंट इतना है, और एक पॉइंट है क्यू एंड आर, क्यू दे रखा है हमारा 1.4 एंड आर दे रखा है हमारा 3.-2, तो सेंट्रोइड जो हो जाएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये निकल कर आ जाएगा लैम्डा प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 4 और 3x माइनस 4 बराबर लैम्डा निकल कर आ गया, एंड ऑल्सो 9y इज माइनस 10 इज इक्वल टू 2 लैम्डा हो जाएगा ये, और 9y माइनस 10 इज इक्वल टू 2 और लैम्डा की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 3x माइनस 4, तो 9y माइनस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 8 और वैल्यू निकल करके आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हो गया हमारा 6x और माइनस का 9y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो तो ऑप्शन में एक स्लोप भी दिया हुआ है, तो 2/3 हमारा स्लोप निकल कर आ गया। तो यहाँ से देखिए स्लोप की वैल्यू हमें पता चल गई कि कितना निकल कर के आ गया है। तो कितना आसान तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये 19 का सॉल्यूशन है, 19 का है जेई मेंस का, और आपने कुछ भी नहीं किया, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया। अब सर्कम सेंटर के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। सर्कम सेंटर,
थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इस पे अगर क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन मैं लूंगा जो 19 में जेई मेंस में आया है, ये कभी एडवांस में भी आया था, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा अगर आप देखते हैं सही तरीके से। तो सर्कम सेंटर में एक ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं, और इस ट्रायंगल का ये पॉइंट से परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, साइड बाई सेक्टर होता है, ये दिख नहीं रहा है, ये छोटा ये बड़ा दिख रहा है, साइड बाई सेक्टर होता है सर्कम सेंटर, आप जानते हैं किसे कहते हैं, ए बी सी, और ये है डी है ई है एफ है, जैसे ऑर्थो सेंटर में हमने अभी सिखाया था उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। देखो ये सर्कम सेंटर निकालने का जो आसान तरीका है वो हम लोग क्या करते हैं कि ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ ओ डी इंटू स्लोप ऑफ बी सी माइनस वन, एक रिलेशन ले लीजिए इसे। इसी तरीके से सिमिलरली ओ ई जो है ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो आप स्लोप ऑफ ओ ई इंटू स्लोप ऑफ ए सी माइनस वन कर दीजिए, सेकेंड रिलेशन है ये। सिमिलरली ओ एफ जो है परपेंडिकुलर है ए बी का, तो ये हम लोग लिख देंगे स्लोप ऑफ ओ एफ इंटू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस वन। देखो इन तीनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो वो सर्कम सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सर्कम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट निकल करके आएगा वो इस मेथड से अगर बनाते हो तो ज्यादा सिंपल बनेगा क्वेश्चन। एक नोट हम लोग लिख लेते हैं कि एट राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ये है इस तरीके का, ये डायगोनल होगा बिकॉज ये राइट है, ये मिडिल पॉइंट जो होता है इसका मिड पॉइंट, ये हमारा सर्कम सेंटर होता है। सर्कम सेंटर किसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट होता है वही सर्कम सेंटर होता है, और ये अभी पिछले पेज में हमने सीखा था कि इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर कहलाता है, दिस इज द ऑर्थो सेंटर। एक और नोट हम लोग लिख लेते हैं के रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, ठीक है। तो देखिए अगर एक पॉइंट ये ओ दिया हुआ है और ये सेंट्रोइड है और ये सी है, ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड है और ये सर्कम सेंटर, ये ऑलवेज 2:1 पे डिवाइड करता है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। ओ जी और जी सी का जो रेशियो होता है 2:1 होता है, इसे हमें याद रखना है, और
तरीका ये है कि ONGC जो है, ONGC N9 पॉइंट कहलाता है। तो देखो, तो इन दोनों के बीच में दो दो वैल्यू है, तो 2 लिख दिया, और इनके बाद एक ही वैल्यू है तो 1 हो गया। तो जी जो है 2:1 में डिवाइड करता है ONGC को, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो होता है उसी को हमने लिख दिया ONGC। और ओ जो है ऑर्थो सेंटर है, ये 9 पॉइंट ये सारे कोलिनियर होते हैं। ONGC जो है एक ही लाइन में होता है जो 2:1 पे डिवाइड करता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जो 19 का क्वेश्चन है जेई मेंस का, लिखते हैं। टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर 0.2 एंड 4.3 एंड 4.3 इफ इट ऑर्थो सेंटर इज एट दी ओरिजिन देन इट्स थर्ड वर्टेक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार जब आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो अजीब सा लगेगा कि इतना लेंदी टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, इसको जेई मेंस में हम कैसे बना सकते हैं। इतना लेंदी टाइप का क्वेश्चन, अम्बरीश इसे क्वेश्चन को बताओ कैसे किया जाएगा। क्या कर सकते हैं इसमें, लेकिन टाइम हमारा कम लगना चाहिए। क्वेश्चन एक बार पढ़िए और बताइए इसको क्या। टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 0.2 एंड 4.3। ऑर्थो सेंटर इज एट द ओरिजिन, देन इट्स थर्ड वर्टेक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में थर्ड वर्टेक्स लाई करेगा। क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखो करना कुछ भी नहीं है, हम लोग सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये ए दे रखा है 0.2 और ये बी दे रखा है हमारा 4.3 और ये सी दे रखा है α, β। तो देखो तो हम लोग इसे
सेंट्रोइड सॉरी ऑर्थो सेंटर जो है परपेंडिकुलर होता है अल्टीट्यूड से, परपेंडिकुलर होगा अल्टीट्यूड से, ये इस तरीके से दिया हुआ है। ये राइट एंगल है, राइट एंगल है और ये राइट एंगल। ऑर्थो सेंटर दे रखा है, ओरिजिन है हमारा, ये डी है और ये ई है और ये एफ है। तो देखो जो हम लोगों ने वर्किंग रूल सीखा है उसी वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग चलो। ए ओ जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए ओ परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो आप क्या लिखोगे, 2-0 डिवाइडेड बाय 0-0 इंटू β-3 डिवाइडेड बाय α-4 इज इक्वल टू माइनस। देखो 0-0 आ गया, ये और भी बढ़िया क्वांटिटी निकल कर आ गया, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2β-3 डिवाइडेड बाय 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे और ये -1 डिवाइडेड बाय 0, तो ये निकल कर आ गया कि β-3 भी 0 के बराबर हो जाएगा, और बीटा क्योंकि ये 0 हो गया, बीटा की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। अब बीटा की वैल्यू 3 आ गई, तो अगेन हम लोग चलते हैं सेम प्रोसेस यही लगाएंगे और लिखते हैं बी ओ जो है परपेंडिकुलर है तुम्हारा एसी पे। तो स्लोप ऑफ बी ओ का मतलब 3-0 डिवाइडेड बाय 4-0 इंटू β-2 डिवाइडेड बाय α-0 इज इक्वल टू -1। देख लीजिए सारी वैल्यू दी हुई है, हमने स्लोप निकाला है, वैल्यू पुट किया है। अब इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 3/4 इंटू β-2 डिवाइडेड बाय हमारा कितना दे रखा है, और बीटा की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो β-1 हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय अल्फा। चलिए अभी लिख लेते हैं, बीटा की वैल्यू है 3-2 α-0-1 और ये आ गया 3/4 α इज इक्वल टू -1 एंड दैट इज अल्फा की वैल्यू -3/4। तो जो C का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा -3/4, 3 क्वाड्रेंट हमारा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखो सिंपल मेथड हमने यूज किया है, AO को परपेंडिकुलर है BC पे, उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 से एक रिलेशन आ गया जिससे बीटा की वैल्यू आ गई। अब दूसरा कंडीशन हम लोग लेकर के चले हैं, OB जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे, स्लोप का प्रोडक्ट -1 लिया है हमने और रिजल्ट अल्फा की वैल्यू निकल कर आ गई बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद। तो यहाँ पे C का कोऑर्डिनेट पता चल गया, जिससे आपके साथ ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं एक और एग्जांपल जो जेई 2018 में आया है सेम कॉन्सेप्ट पे। लेट द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड
लेट द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ आ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी ए दे रखा -3.5 एंड बी दे रखा है 3.3 रिस्पेक्टिवली. इफ सी इज द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल having line segment AC as diameter is. सेगमेंट segment. तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को आप समझ जाइए, देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. लेट द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल दे रखा है, ऑर्थो सेंटर भी दिया हुआ है एंड सेंट्रोइड भी दे रखा है, और सी बोल रहा है कि इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल. तो रेडियस निकालना है हमें उस सर्कल की जिसका लाइन सेगमेंट एसी जो है हमारा डायमीटर है. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने. तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कि इसमें किस तरीके से टेक्निक यूज कर सकते हो आप. देखो सारा का सारा चीज दिया हुआ, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, और उसके साथ बोल रहा है कि रेडियस जो है एसी है, सॉरी डायमीटर एसी है, तो रेडियस निकालिए. क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? तो देखिए हमारे हिसाब से अगर हम सोचें तो ये ऐसा है कि ये पॉइंट ए दिया हुआ है -3.5, ये बी है 3.3, और ये नहीं दे रखा है, सर्कम सेंटर नहीं दिया हुआ है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर. तो आप याद करो मैंने अभी ओ एन जी सी, ऑर्थो सेंटर 9 पॉइंट, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है जिससे अल्फा और बीटा की वैल्यू तुम्हारी निकल जाएगी. सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 2α -3/2+1, और यहां से अल्फा की वैल्यू 6 निकलकर आ गई. ठीक है, सिमिलरली 3 = 2β+5/2+1 करोगे तो ये बीटा की वैल्यू 2 निकलकर आ गई. ठीक है, अब एसी जो है वो क्या है, डायमीटर है, ये दे रखा है 6.2 निकल कर आ गया. AC = 2R, डायमीटर है, हमें रेडियस निकालना.
एसी जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालोगे तो 81 प्लस 9 पे अंडर रूट बराबर 2R हो जाएगा ये, और R की वैल्यू निकल कर आ गई 3√5/2। दिस यूनिट इज द रेडियस, रेडियस निकल कर ये आ गई। तो देख लो कितना आसानी के साथ आपने बनाया है, कुछ भी नहीं किया, आपको बस याद होना चाहिए कि ये 2:1 पे डिवाइड करती है, और जब ये 2:1 पे डिवाइड करती है तो सेक्शन फार्मूला से कितने आसानी के साथ आपने यहाँ पे सरकम सेंटर निकाल दिया, और सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो डायमीटर है, डायमीटर ये दे रखा है ना। अब जब ये डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर आपका जब दे रखा है तो उससे हमने रेडियस की वैल्यू निकाल लिया, रेडियस निकल कर आ गई हमारे पास। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो वर्टेक्स निकालने के लिए कुछ टेक्निक सीखा हम लोगों ने, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं वो सीख लिया, इन सेंटर हमने सीखा, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर के बहुत सारे कंडीशंस हमने सीखे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जो राइट वर्टेक्स होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा, इसी तरीके से अगर वर्टिसेस दिया हुआ है तो उसमें ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं ये भी नोट में हमने आपको लिखवाया। उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस हुए, सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर आपने देखा। उसके बाद जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन हमने किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीनोमियल्स तक। तक हम लोग किया जाएगा, फिर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू किया जाएगा, और जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है और नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये सारी चीज फिर कल हम लोग या नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज टॉपिक यहीं पे फिनिश करता हूँ मैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलो ओके।